आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, जिस तरह की घटनाएं यहां पे हुई है एमएसपी की खरीद पे, किसानों ने अपनी आवाज उठाई और उनको लाठियां मिली। ये पूरे देश में इसकी घटना की निंदा हुई। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहां पे मीटिंगें हुई और ये तय किया कि 12 तारीख में यहां पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहां से लिया जाएगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। यहां की मीटिंग पे पूरे देश की नजरें हैं। ये एमएसपी के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकारें रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। ये आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और यहां पे भी जो लोकल कमेटी जिसपे निर्णय थोपा गया है वो जो भी निर्णय लेगी सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। आज भी कई मीटिंगें चली हुई हैं। एक जेवर में मीटिंग है जो एयरपोर्ट का मामला है, वहां पे भी इस मुद्दे की चर्चा इस टाइम पे चली हुई है। बड़ी मीटिंग वहां पे भी है और आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, आंदोलन होने चाहिए। ये मेरी प्रेस के लोगों से भी है कि आप जो भी आपकी घटना हो उसको आप सच्चाई के साथ में दिखाने का काम करें। कुछ प्रेस के मीडिया के लोग भी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि किसानों को, किसान लीडरों को बदनाम करने में उसमें लगे हुए हैं। आप भी उन चीजों से बचने का काम करें। हमको पता है कि कैमरा और क्रम पे बंदूक का पहरा है, हम सब जानते हैं। आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं लेकिन आपने किसान आंदोलन को 13 महीने दिखाया। जो घटनाएं देश में होती हैं आप उसको प्रमुखता से दिखाते हो। ये किसान दुखी है, ये देश का मजदूर दुखी है, ये छोटा दुकानदार दुखी है पूरा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में, जो भी बंधनों में होगा वो मुक्ति अभियान चलेगा। आज भी हमारे बहुत से नेता जो किसान संगठन से हैं वे जेलों में बंद हैं। गुरनाम चढ़ होने की क्या गलती थी कि उसने एमएसपी के सवाल पे आंदोलन खड़ा किया, उस पर लाठियां चला के किसानों को जेलों में बंद किया, बहुत से लोगों को घायल किया। क्या पुलिस का यही काम है कि लोगों पर लाठियां चलाओगे? आप 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग को आप उठा के जेलों में बंद करोगे? हमारी डिमांड है सबसे पहले जो हमारे जितने भी लीडर हैं, जो किसान हैं, उनको रिहा करें। दूसरा है एमएसपी पे खरीद की सुनिश्चित गारंटी करें। ये देश में आंदोलन चलेगा, आप इस आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहां पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको यहां पे दिखाई दिया है कुरुक्षेत्र के मीटिंग में। हम सब जगह जाएंगे, पूरा देश का किसान एक है। यहां पे हम देख रहे हैं कि कई स्टेट के लोग यहां पे एमएसपी की खरीद पे किसानों ने अपनी आवाज उठाई और उनको लाठियां मिली। ये पूरे देश में इसकी घटना की निंदा हुई। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहां पे मीटिंगें हुई और ये तय किया कि 12 तारीख में यहां पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहां से लिया जाएगा वो
पूरे देश भर में लागू होगा। यहां की मीटिंग पे पूरे देश की नजरें हैं। ये एमएसपी के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की एमएसपी की फसलों का है। सरकारें रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। ये आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। और यहां पे भी जो लोकल कमेटी जिसपे निर्णय थोपा गया है, वो जो भी निर्णय लेगी, सब बेस कैंप के लोग उसके साथ में रहेंगे। आज भी कई मीटिंगें चली हुई हैं। एक जेवर में मीटिंग है जो एयरपोर्ट का मामला है, वहां पे भी इस मुद्दे की चर्चा इस टाइम पे चली हुई है। बड़ी मीटिंग वहां पे भी है और आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में आंदोलन होंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, आंदोलन होने चाहिए। ये मेरी प्रेस के लोगों से भी है कि आप जो भी यहां की घटना हो उसको आप सच्चाई के साथ में दिखाने का काम करें। कुछ प्रेस के मीडिया के लोग भी पिछले कई दिनों से जगह में है कि किसानों को, किसान लीडरों को बदनाम करने में उसमें लगे हुए हैं। आप भी उन चीजों से बचने का काम करें। हमको पता है कि कैमरा और क्रम पे बंदूक का पहरा है, हम सब जानते हैं। आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन आपने किसान आंदोलन को 13 महीने दिखाया। जो घटनाएं देश में होती हैं आप उसको प्रमुखता से दिखाते हो। ये किसान दुखी है, ये देश का मजदूर दुखी है, ये छोटा दुकानदार दुखी है पूरा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में। जो भी बंधनों में होगा वो मुक्ति अभियान चलेगा। आज भी हमारे बहुत से नेता जो किसान संगठन से हैं, वे जेलों में बंद हैं। गुरनाम चढ़ होने की क्या गलती थी कि उसने एमएसपी के सवाल पे आंदोलन खड़ा किया, उस पर लाठियां चला के किसानों को जेलों में बंद किया, बहुत से लोगों को घायल किया। क्या पुलिस का यही काम है कि लोगों पर लाठियां चलाओगे? आप 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप उठा के जेलों में बंद करोगे? हमारी डिमांड है, सबसे पहले जो हमारे जितने भी लीडर हैं, जो किसान हैं, उनको रिहा करें। दूसरा है एमएसपी पे खरीद की सुनिश्चित गारंटी करें। ये देश में आंदोलन चलेगा, आप इस आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहाँ पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी, तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कुरुक्षेत्र की मीटिंग पर। हम सब जगह जाएंगे, पूरा देश का किसान एक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई स्टेट के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे मौजूद है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। जो भी लोकल कमेटी फैसला लेगी, एसकेएम उस कमेटी के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।